हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आई हूँ जयपुर में जल महल में। काफ़ी खूबसूरत जगह है और मानसून में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ बोटिंग सिस्टम भी है बट वो अभी के लिए बंद है, अभी बंद कर रखा है। बोटिंग सिस्टम के द्वारा आप जल महल के अंदर, जो महल बना हुआ है मेरे पीछे आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है अंदर से महल, तो आगे आपको दिखाती हूँ पूरा यहाँ का जो भी सिस्टम है वो सब कुछ, और फोटोग्राफ जो है वो क्लिक करवा सकते हैं। तो वो सब अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। और इसमें फास्ट फूड का सिस्टम भी है, तो वो सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खम्मा गणिसा राम राम सा। सो आप देख ही पा रहे हैं कितना खूबसूरत है जयपुर शहर। तो अभी हम बड़ी चौपड़ से होते हुए हवा महल रोड पे जा रहे हैं और यहीं से हम जल महल की तरफ जाएंगे। तो देखते जाइए कितना खूबसूरत रास्ता है। और इस चार दीवारी से जो जयपुर में, जयपुर सिटी के चारों तरफ बनी हुई है, उससे हम कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे जल महल तक पहुँचते हैं वो सब कुछ। तो देखिए कितना खूबसूरत है जयपुर शहर। बारिश के टाइम ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। पिंक सिटी पिंक तो है ही, उसके साथ साथ में ग्रीन भी हो जाती है, तो उससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। हम इधर शॉर्टकट लेके आए हैं, वैसे मतलब सीधे भी आ सकते हैं। और अभी हम जो चार दीवारी है उससे बाहर निकल रहे हैं। हमने चांदपोल से एंटर किया था और अभी यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो ये जो चार दीवारी बनी हुई है पिंक कलर की, वो यहाँ तक बनी हुई है। और ये जो अभी आपने बस देखी वो जयपुर भ्रमण के लिए बनाई गई है स्पेशली, तो आप बस के द्वारा भी जयपुर घूम सकते हैं। अभी हम रेड लाइट पे खड़े हैं जिसके राइट साइड से दिल्ली के लिए रोड जाती है, बट हमें सीधे जाना है जल महल की तरफ। तो अभी हम जल महल ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, तो अभी हम साइड में गाड़ी पार्क करेंगे इस साइड में। और रोड के उस साइड में जल महल है, मानसागर झील के बीच में बना हुआ खूबसूरत महल। आगे यही रोड आमेर की तरफ भी जाएगी, आमेर नाहरगढ़ वगैरह। तो अभी हमें जल महल देखना है, तो चलते हैं जल महल दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे फास्ट फूड की शॉप लगी हुई है और शॉप क्या स्टॉल लगी हुई है, तो आप फास्ट फूड भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से खा पी के आप इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह की यादें आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। 50 रुपीज़ पर फ़ोटो यहाँ पे लगता है। उसके साथ साथ में आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं, जो 10 रुपीज़ पर प्लेट यहाँ पे लगता है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ मछलियाँ वगैरह पहले नहीं थी, बट धीरे धीरे इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, तो जो यहाँ का पानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। जो इस पानी में सूट होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं और पक्षी वगैरह भी छोड़े जा रहे हैं काफ़ी सारे। तो काफ़ी अच्छे से इस जगह को अब धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। बोटिंग सिस्टम भी चालू किया गया है, जो अभी थोड़ी मतलब थोड़े टाइम चालू किया गया था, उसके बाद में फिर से इसको बंद कर दिया गया, और कोरोना टाइम में भी इसको बंद कर दिया गया था। तो अभी वापस इस चीज़ को चालू कर दिया जाएगा, तो आप बोटिंग सिस्टम से भी यहाँ पे जो ये महल बना हुआ है पानी के बीच में, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और महल भी अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ पे जो महल के ऊपर का एरिया है उसमें गार्डन बना हुआ है और अंदर की साइड काफ़ी सारी पेंटिंग वगैरह बनी है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और ये वाला व्यू जो आप देख पा रहे हैं ये शाम के वक्त का है, अभी तक जो भी व्यू आपने देखे हैं वो दोपहर के थे, और शाम को नज़ारा कुछ इस तरह से होता है।
यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप भी आपको मिल जाती हैं, मतलब वहाँ पे ज्वेलरी की शॉप भी होगी और भी काफ़ी सारी यहाँ की जो कलाकृति है उससे बनी हुई चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इसको कठपुतली बोलते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ साथ में ये जो शॉप आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ की ड्रेसेज हैं जिनमें आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती हैं, तो आप यहाँ की जो राजस्थानी ड्रेस है उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अभी शाम का टाइम था तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये बूढ़ी माई के बाल हैं, आपने भी खाए होंगे बचपन में, किस किस ने खाए हैं ज़रूर बताइएगा। ये यहाँ पे फ्रंट पे बना हुआ है, राजा की सवारी निकाल रहे हैं, मतलब उस चीज़ को दर्शाया गया है कि पहले राजा की सवारी है वो कैसे निकलती थी और कैसे गाजे बाजे से राजा निकलते थे और लोग ढोल नगाड़े बजा के पीछे पीछे चलते थे, तो वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है, काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। और ये सारी स्टॉल लगी हुई हैं फास्ट फूड की, और अच्छे से आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और कबूतरों को दाना वगैरह डाल सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो मैं अभी बात कर रही थी, काफ़ी सारी कलाकृति से बनी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जयपुरी पगड़ी और ये जयपुरी जूतियाँ या मोजड़ी जो आप कह लो, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे शॉप हैं, वो सब यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ में आप ऊँट की सवारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो जब भी आप जयपुर आएँ घूमने तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय, सी यू सून।